जानते हैं क्या है इस समय का ताजा मुद्दा। ट्विटर पर हो रहा है ट्रेंड बॉयकॉट सीएसके, जाने वजह। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिए बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय मेगा नीलामी समाप्त हो गई है, और साथ ही ये भी पता चल गया है कि आईपीएल 2022 में किस टीम से कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। इस मेगा ऑक्शन के दौरान खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए 10 टीमें उतरी थी, जिसके सामने 600 प्लेयर्स की लिस्ट थी। टीमें सिर्फ 217 खिलाड़ियों का ही चयन कर सकती थी। हालांकि नीलामी के दौरान पैसों की कमी के चलते सिर्फ 213 खिलाड़ी ही चुने जा सके। इसी कड़ी में श्रीलंकाई स्पिनर महेश तृष्णा भी ऑक्शन में खरीदे गए। तृष्णा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 70 लाख रुपए में खरीद लिया था। 21 साल के महेश तृष्णा का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। उन्हें खरीदने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी रुचि दिखाई थी, लेकिन अंतिम बाजी चेन्नई के हाथ लगी। लेकिन इससे फैंस खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। दरअसल तृष्णा सिंघली पृष्ठभूमि से आते हैं। श्रीलंका में तमिल भाषी और सिंघली भाषी लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर वहां पर गृह युद्ध भी हो चुका है। हालांकि तमिलों के प्रति सिंघली समुदाय से हुए हिंसात्मक घटनाओं का आक्रोश भारतीय तमिलों में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह विरोध किया जा रहा है। फैंस की मांग है कि वो श्रीलंका के सिंघली भाषा बोलने वाले प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं देखना चाहते हैं। इसी कारण से ट्विटर पर शाम से ही बॉयकॉट सीएसके ट्रेंड हो रहा है, और लोगों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। धन्यवाद।